एक बात कही जाती है कि एक बिहारी सब पर भारी। ऐसे ही एक बिहार के नौजवान ने कमाल कर दिया। इंजीनियरिंग के इस छात्र ने दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती पकड़ ली, जिसे गूगल ने स्वीकार भी कर लिया है, वही गलती को अपने रिसर्च में शामिल किया। गूगल की सिक्योरिटी में कमी निकालने वाले बेगूसराय के ऋतुराज चौधरी को कंपनी की तरफ से इनाम दिया जाएगा। 19 साल के छात्र ऋतुराज के मुताबिक वो साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में बेहतर करियर बनाना चाहते हैं। वो बेगूसराय के मुंगेलीगंज में रहते हैं और IIIT मणिपुर से BTech सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा है। उसने हाल ही में गूगल में बग यानी दोष को पकड़ा था। इसके बाद गूगल बग हंटर साइट को ये जानकारी मेल की, जब कुछ समय बाद उसे गूगल की तरफ से मेल आया जिसमें कंपनी ने अपने सिस्टम की कमी को स्वीकार किया और उसे शुक्रिया कहा। साथ ही अब उस कमी पर काम करने के लिए उसे अपनी रिसर्च लिस्ट में शामिल करने की जानकारी भी दी है। पहले ही सोच रखे थे कि किसी मतलब कंपनी में मतलब बड़ी कंपनी में कुछ बग टाइप कर ढूंढेंगे। हम बग हंटिंग बहुत पहले स्टार्ट किए थे, 6 महीना पहले स्टार्ट किए थे। पहले भी हमने 2-3 कंपनी में बग ढूंढा, बट कुछ वैसा कुछ खास मेरे को नहीं लगा। तो गूगल पे हमने आया, हम सोचे चलो गूगल पे 3-4 दिन हमने ट्राई किया, कुछ नहीं मिला। फिर सोचे चलो मिलेगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, इसके लिए पेशेंस की जरूरी थी। तो फिर भी हम लगे रहे। फिर जब करते आगे बढ़े तो फिर पता चला कि फिर हम जब रात में ही मैंने ट्राई किया, जो ट्राई कर रहा था वो एग्जीक्यूट हो गया था। फिर पता चला कि चलो ये लग रहा है कि कुछ बग टाइप का मेरे को मतलब मिला है इसमें। तो फिर हमने अपने भैया को जो जिनसे हम कनेक्ट जो हमें गाइड कर रहे हैं उन्हें भेजा, तो बोले नहीं है, लग रहा है कि हाँ बग टाइप का है, इसे गूगल को रिपोर्ट करो। तो हमने गूगल को रिपोर्ट किया तो 2-3 दिन बाद वो भी एक्सेप्ट हो गया। पहले वो P priority 5 में था, तो उसको धीरे धीरे एक्सप्लॉइट कर करके और आगे बढ़ा के P2 में हमने लाया। पहले P3 से P4 P3 P2 पे आया है, तो फिर अभी P2 पे वो और एक्सेप्ट भी हो चुका है और गूगल हमें हॉल ऑफ फेम दी है एज ए रिसर्चर की मतलब इंटरनेट को सेफ रख रहे हैं। नॉट तो मेरा बहुत पुराना था कि हाँ कभी ना कभी गूगल में तो जरूर ढूंढना है, बग इतना जल्दी होगा और कब होगा ये पता नहीं था। और आगे मतलब मुझे भी फायदा मिलेगा कि मेरा एज ए नेम रिसर्चर कंपनी में डाली और फर्दर मैं कोई भी कंपनी में जाऊँ तो उससे मेरे को भी बेनिफिट मिलेगी, या मैं गूगल में भी जॉब लेना चाहूँ तो मुझे भी कुछ बेनिफिट मिलेगी इस चीज़ से। वर्तमान में क्या कर रहे हो? अभी मैं IIIT मणिपुर में स्टूडेंट हूँ CSE, और अभी CSE सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ और साइड से मैं साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग। कोटा का जो सबसे टॉप मोस्ट स्कूल है CP गुरुकुल, उसमें मैंने इसको कैद करके रखा। उस सारे कैंपस में ही इसका सारा रहना खाना पीना सबका व्यवस्था रहता था। यहाँ घर पे ये पढ़ाई एकदम नहीं करता था, मेरा मन विचलित रहता था। तो बोला कि नहीं पापा, 1 साल और हमको समय दीजिए, 1 साल में आपको हम दिखा देते हैं। तो 1 साल में फिर मेंस का वो एग्जाम दिया, मेंस में अच्छा नंबर आया इसको। इसको CS लेना था, NIT कॉलेज में भी हो रहा था, मगर ये बोला कि नहीं हम IIIT मणिपुर से ही पढ़ेंगे, हम वहीं एडमिशन। साइड से बोला कि नहीं पापा हम साइबर सिक्योरिटी का कोर्स लेंगे। हम कहे ले लो, अगर इंटरेस्ट उसमें है तो ले लो। और इस पर रात दिन मेहनत करते करते यहाँ तक पहुँचा है। मैं इसके लिए बच्चे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आगे भी इसी तरह अपना देश का नाम रोशन करे। हम लोगों से बराबर गाइडलाइन घर पे जा करके, स्कूल को छोड़ दीजिए तक्षशिला विद्यापीठ ही नहीं, घर पे जा करके भी गाइडलाइन लेता था। बच्चे में काफ़ी टैलेंट है और ये बच्चे काफ़ी आगे तक जाएंगे, मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से राष्ट्रपति जी से मैं चाहूँगा कि ये देश का गौरव बने, इसके लिए वो लोग उत्साहित करें, इसको प्रोत्साहित करें, जिससे बच्चा आगे देश का नाम रोशन कर सके। जब भी मिलते थे तभी शेयर होता था कि आज ये किए, आज इसमें ढूंढे, आज वो किए, तो वो तो हमेशा का था। जब भी मिलते थे यही सब बात ही होती थी। बचपन से CSE में इंटरेस्ट था,
और इधर से बग बाउंटी में इंटरेस्ट ज़्यादा जाग गया, साइबर सिक्योरिटी में, ये सब में। तो शुरू से ही एम था कि नहीं किसी कंपनी में निकालें कुछ, तो तुरंत अभी शुरू ही किया था और सफलता लग गई हाथ।